हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11th अकाउंटेंसी का जनरल एंट्री चैप्टर के लिए फर्स्ट वीडियो है। जनरल एंट्री चैप्टर जो है अकाउंटेंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो है, जनरल एंट्री चैप्टर एक ऐसा है जिसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसकी आवश्यकता यानी इसकी जरूरत जीवन भर आपको पड़ सकती है। यानी जीवन भर जो है आप इससे काम ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जनरल एंट्री क्या है, जनरल एंट्री क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जनरल एंट्री यानी रोजना मचा परवृष्टि, ठीक है। रोजना मचा प्रविष्टि यानी जनरल एंट्री। इससे पहले हमारे द्वारा अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है, ठीक है। अकाउंटेंसी क्लास 11th नाम की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लें, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोग बना रहे थे, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग क्यों बनाते हैं? जब तक हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तब तक हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं होता है। कहने का मतलब हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं यानी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए कुछ तैयारियां कर रहे थे, और जब तक तैयारियां कर रहे थे तब तक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है। जैसे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जमीन की व्यवस्था करना पड़ेगा, उसमें बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, मशीन लगवाना पड़ेगा, फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ, बहुत सी ऐसी काम जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब जो है, बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन करना है यानी आप किसी वस्तु का, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या आज आप सोच रहे हैं कि हम प्रोडक्शन करेंगे किसी गुड्स का तो कल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन करने के लिए आप प्लान बनाए हैं, बिजनेस करने के लिए आप प्लान बनाए हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है, और जब तक आप उसमें टाइम दे रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका प्रोडक्शन का काम शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। और जिस दिन से प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है उसी दिन से हम लोग जनरल एंट्री बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री जो बनता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पर बनता है। ईयर जो होते हैं दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होती है? फर्स्ट अप्रैल से शुरू होती है। फाइनेंशियल ईयर जो होती है फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होती है और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को क्लोज हो जाती है, ठीक है। और कैलेंडर ईयर जो होती है वो फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को क्लोज हो जाती है। तो दो प्रकार का ईयर है, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। अब जो है ज्यादातर बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आज जो है फर्स्ट अप्रैल है तो फर्स्ट अप्रैल से हम लोग जो है अपना बिजनेस में प्रोडक्शन का काम को शुरू करते हैं तो जिस दिन से प्रोडक्शन का काम शुरू करते हैं उसी दिन से जनरल एंट्री बनाया जाता है, ठीक है। जनरल एंट्री यानी रोजना मचा प्रविष्टि। रोजना मचा कहने का मतलब जो है रोज 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 जो
जो लेन देन होता है बिजनेस में, यानी जो ट्रांजेक्शन रोज रोज होता है बिजनेस में, उसी के अकॉर्डिंग यानी उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री जो बनाते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप यानी जनरल एंट्री से आगे और क्या बनाना है, चलिए देखते हैं। ये आपका एक जो है चार्ट बना हुआ है, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस में अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन, जो भी लेन देन होगा रोज 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 रोज, ठीक है, जिस दिन से हम प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे उस दिन से देखेंगे रोज रोज जो भी लेन देन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेन देन को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस से क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री। ट्रांजैक्शंस से क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री बनाते 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 यानी हम लोग अगर 1 अप्रैल में शुरू किए हैं तो कहां पहुंच जाएंगे, एंडिंग डेट में यानी 31 मार्च में। ठीक है, 31 मार्च में क्या करेंगे, जो साल भर से यानी कहने का मतलब जो 1 अप्रैल से जनरल एंट्री बनाते बनाते हम लोग 31 मार्च तक आए हैं, यानी एक साल भर में जो जनरल एंट्री बनाए हैं उस जनरल एंट्री से क्या बनाएंगे, लेजर। ठीक है, उस जनरल एंट्री से लेजर बनाएंगे कब, 31 मार्च को। ठीक है, पहले भी बना सकते हैं लेकिन उसका जो कैलकुलेशन होता है, हिसाब होता है, वो जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग यानी रूल्स के अकॉर्डिंग 31 मार्च को होता है। ठीक है, तो जनरल एंट्री से क्या बनता है, लेजर, और लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जनरल एंट्री पहले पढ़ना है, यानी अभी हम लोग जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं, जनरल एंट्री के बाद लेजर पढ़ेंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, और फाइनल अकाउंट को पढ़ने से पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले, इन दोनों के बीच में जो है बहुत सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के बीच में बहुत सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं यानी जनरल एंट्री बनाते हैं कब, 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और 31 मार्च तक चले जाते हैं, और 31 मार्च को यानी साल का अंतिम दिन को क्या बनाते हैं, जनरल से लीजर, लीजर और लीजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में ही रिजल्ट निकलता है बिजनेस का, कि जो हम बिजनेस किए उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, फाइनल अकाउंट में 3 तरह का अकाउंट बनता है, कौन कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस को दिखाया जाता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कहने का मतलब जो है ऐसा प्रॉफिट लॉस जिससे पूरा अस्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है कि हमारा बिजनेस अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी निकला है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस लॉसेस को माइनस करना बाकी है और बहुत सारा इनकम गेन को ऐड करना बाकी है। जब ए एक्सपेंसेस लॉसेस को माइनस कर देंगे और इनकम गेन को प्लस कर देंगे तब जाकर के हमारा निकलेगा क्या, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। एक ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, उससे स्पष्ट पता नहीं चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। जब उसके आगे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि हमारा बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, बिजनेस में जो है खुशी का माहौल होगा और बिजनेस की तरफ से पार्टी या पिकनिक का आयोजन किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होती है उसमें जो है सभी का किसी न किसी प्रकार से सहयोग होता है, यानी सभी मिलकर के काम करते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है, किसी एक आदमी का चाहने से प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो खुशी का माहौल होता है और पार्टी पिकनिक का आयोजन किया जाता है, और फिर से हम लोग जो है 31 मार्च हो गया
और फिर से यानी नेक्स्ट डे से फर्स्ट अप्रैल से जो है फिर से नया अकाउंट मेंटेन किया जाता है। 31 मार्च तक का जो पुराना अकाउंट था उसको क्लोज कर दिया जाता है और 1 अप्रैल से जो है नया अकाउंट ओपन किया जाता है। न्यू अकाउंट में फिर से हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी बिजनेस में अभी यानी करंट डेट में, यानी बोल सकते हैं 31 मार्च में टोटल एसेट्स कितने का है, कौन कौन सा एसेट है एंड लायबिलिटीज कौन कौन सा है, ठीक है। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड जो है इक्वल हो जाता है, जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन में हम लोग कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाए थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया चार्ट, कैसे कैसे जो है बनाया जाता है, कैसे कैसे अकाउंट मेंटेन किया जाता है और हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक होता है अकाउंटिंग साइकिल, क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल, यही चीज है यहां जो हमने चार्ट में लिखा है और यहां जो है अकाउंटिंग साइकिल के रूप में लिखा है। अकाउंटिंग साइकिल जो है वो गोल गोल घूमता है, जैसे यहाँ ट्रांजेक्शन था, यहाँ भी ट्रांजेक्शन है, जनरल एंट्री यहाँ भी है, ठीक है। लेजर ट्रायल बैलेंस यहाँ भी है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट यहाँ भी है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या समझेंगे, 1 अप्रैल से अगर शुरू कर रहे हैं क्या जनरल एंट्री बनाना, ठीक है, यानी यहां से शुरू होता है और यहां से शुरू होता है और घूमते 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 इसको एक चक्कर पूरा करने में फिर से यहां आने में 1 साल का समय लगता है, ठीक है। यानी यहां से शुरू करेंगे हम लोग और आफ्टर 1 ईयर के बाद फिर से जो है वही जाकर के रुक जाएंगे, यानी फिर से जब शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल फिर से आएगा, तो फिर से जब शुरुआत करेंगे तो फिर यहीं से शुरुआत करना होगा, ठीक है, और स्टार्टिंग यहीं से करना होगा, ठीक है। एक रास्ता इसमें और है, अगर हम चाहें तो जनरल एंट्री को छोड़ सकते हैं, उसकी जगह पर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ले सकते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बहुत सारा जो है बुक्स होता है, टोटल 8 प्रकार का है, क्या है, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है और जनरल प्रॉपर है, ठीक है। इस प्रकार से हम जनरल एंट्री को छोड़ सकते हैं और ये जो हमारा साइकिल है वो यहाँ से शुरू होगा और इधर से घूमेगा यहाँ से और फिर इधर से आएगा और फिर यहीं पर आकर के रुक जाएगा, ठीक है। यानी अकाउंटिंग साइकिल जो है उसका 2 रास्ता है, साइकिल को चलाने का 2 रास्ता है। आप चाहे तो सीधा जो है इधर से गोल गोल घूम सकते हैं और अगर आप चाहे तो जनरल एंट्री को छोड़ सकते हैं और यहां से जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाकर के और इधर से घूमते हुए जनरल एंट्री को छोड़ते हुए लेजर में आ सकते हैं और यहां से शुरू करते हुए ऐसे आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से जो है अकाउंट मेंटेन हम कर सकते हैं। ये सभी जो है आप लोगों को पढ़ना है, कैश बुक पढ़ना है, परचेज बुक पढ़ना है, सेल्स बुक पढ़ना है, परचेज रिटर्न बुक पढ़ना है, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ना है, बिल्स रिसीवेबल्स पढ़ना है, बिल्स पेबल पढ़ना है, जनरल प्रॉपर पढ़ना है। जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस अकाउंटिंग साइकिल को और इस चार्ट को, यानी जनरल एंट्री का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जनरल एंट्री का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ गए हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो से फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अभी भी अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है आपके मन में तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उस कमेंट का रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री का फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स अकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी लोग
हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे आप जाकर देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम पीडीएफ फाइल नोट्स को ले सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कोई बुक खरीदने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल नोट्स को लेने के बाद आप जो है अपने घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, हमारे द्वारा आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। यानी टोटल मिलाकर देखें तो अगर आप कम खर्च में अच्छा कोर्स, कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, तो फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, पीडीएफ फाइल नोट्स को लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।